हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे iOS 14.2 के ऊपर। बेसिकली iOS 14.2 के फीचर्स वगैरह नहीं हम यहां पे डिस्कस करने वाले, उतनी हमारे औकात नहीं है कि हम एक आईफोन ले सकें। बट हाँ, अगर आपके पास एक Xiaomi का डिवाइस हो, कोई भी आपके पास Redmi Xiaomi का डिवाइस हो, तो आप उसको कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो iOS 14.2 या फिर iOS 14. के अंदर। तो उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सभी स्टेप्स है जो काफी इजीली समझाने की कोशिश करूंगा, काफी ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक जरूर से कर सकते हो। और इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 150 लाइक्स का। जल्दी से यार कंप्लीट कर दो ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाने की कोशिश कर सकूं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप चेक करोगे तो ये है मेरा Redmi का Note 7 Pro, जिसके अंदर अभी जो है MIUI 12.5 इंस्टॉल्ड है। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया तो कोई बात नहीं, आपके MIUI 12 के अंदर भी ये चीज काम करेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे एनिमेशंस और काफी सारे लिटिल चेंजेस मैंने किए हैं इसके अंदर, जितना भी हो सका उतना मैंने यहाँ पे ट्राई किया है, और काफी क्लोजली यहाँ पे iOS 14 का लुक मेरे डिवाइस के अंदर आ चुका है, जो कि आप भी अभी कर सकते हो और काफी सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको मैं लुक यहाँ पे थोड़ी सी दिखा देता हूँ, क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जब आप इस चीज को अप्लाई करोगे। तो सेटिंग के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का लेआउट देखने को मिलेगा, बिल्कुल लेटेस्ट iOS 14 जैसा देखने को मिलेगा। कंट्रोल सेंटर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो थीम है वो मैंने डिफरेंट अप्लाई की है, आप इसकी जगह कोई और भी थीम अप्लाई कर सकते हो। इनके बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट आपको मैं कुछ चीजें दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे डायलर देख सकते हो, टोटली iOS 14 जैसा हो चुका है। आपका जो मैसेजिंग ऐप है वो भी टोटली iOS 14 जैसा, कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी कमाल का लगने वाला है। और कैमरा का लेआउट तो आपको एज इट इज MIUI 12 जैसा ही देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाले। बट रीसेंट मेन्यू अगर आप चेक करोगे तो ये आप देख सकते हो, काफी किलर iOS 14 टाइप आपको स्मूथ एनिमेशंस के साथ ये वाला मेन्यू देखने को मिलेगा, जो कि आई थिंक सबको ही पसंद है। बट ये इनेबल नहीं कर सकते आप, उसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा कि आप इस चीज को कैसे इनेबल कर सकते हो। जो आपका यहाँ पे कॉलिंग UI है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी कमाल का लगता है। और आप देख सकते हो आपको यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके के आइकन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अच्छे हैं। अब बात करते हैं आप इस चीज को कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। और एक चीज आपको एडिशनली दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको 5G आइकन देखने को मिलेगा। बैटरी का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो गाइज, मैंने डिवाइस को यहाँ पे जो है टोटली रीसेट कर दिया है, जो कि सभी सेटिंग्स जो मैंने अप्लाई की थी वो अभी 1 by 1 हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो डिवाइस मेरा यहाँ पे टोटली रीसेट हो चुका है, कुछ भी आपको सेम चीजें नहीं देखने को मिलेगी। रीसेंट मेन्यू भी आपको एक बार मैं चेक करवा देता हूँ, तो देख सकते हो रीसेंट मेन्यू भी आपको डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले स्टेप की बात करेंगे, तो इस स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे जो है एक थीम डाउनलोड करनी है, जो कि iOS 14 के ऊपर बेस्ड हो, जिसके अंदर एटलीस्ट यहाँ पे iOS 14 के आइकन्स मिल जाएं। तो मेरे पास ये वाली थीम है लाउड V12 वाली, तो मैं इसको सिंपली अप्लाई कर देता हूँ और थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये वाली जो थीम है आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी, और कुछ इस तरीके के आपको आइकॉन्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी जो है iOS 14 जैसे ही इंस्पायर्ड है। तो काफी अच्छी बात है, ये चीज हमारी अप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप की बात करेंगे, तो सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है वो चीज अप्लाई करने के लिए जो आपको रीसेंट मेन्यू चाहिए। तो आप अगर रूटेड हो तो उसके लिए आपको मैं प्योर iOS 14 वाला रीसेंट मेन्यू दे सकता हूं। अगर आपका डिवाइस यहाँ पे रूटेड नहीं है तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, जो कि आपको डिफॉल्ट यहाँ पे जो है मेन्यू रीसेंट मेन्यू देखने को मिलता है, उसी से आपको यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो आप कोई भी यहाँ पे जो है लॉन्चर वगैरह, या फिर आप देख सकते हो मॉडरेट लॉन्चर यूज कर सकते हो। मैं सिंपली इसको यहाँ पे फ्लैश कर देता हूँ मैजिस के अंदर, और अभी डिवाइस को रिस्टार्ट करेंगे, और रिस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा प्योर लेटेस्ट iOS 14 का लॉन्च। तो डिवाइस को मैंने यहाँ पे रीसेट कर लिया, आई मीन रीबूट कर लिया, और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ जो आपका लॉन्चर है वो भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और आपको यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का लेआउट देखने को मिलेगा, और एनिमेशंस भी काफी स्मूथ आपको इस
लॉन्चर के साथ किसी भी MIUI 12 के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो दो चीजें हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं। अब थर्ड चीज की बात करेंगे, वो है हमारे पास वॉलपेपर। तो iOS 14 के आप वॉलपेपर्स को अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास iOS 14.2 के हैं, तो मैं इनको सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं चूज करता हूँ अप्लाई करने के लिए। दोनों के ऊपर ही हम सेट कर देते हैं, सेट बोथ के ऊपर, और ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी हमारा काम काफी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब एक स्टेप आपको यहाँ पे और करना है क्लोज टू iOS 14 जैसा लुक पाने के लिए। आपको माई डिवाइस के अंदर आना है, उसके बाद ऑल स्पेक्स के अंदर आओगे और यहाँ पे MIUI वर्जन के ऊपर आपको 6 to 7 टाइम्स यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद एडिशनल सेटिंग को ओपन करेंगे, उसके बाद आपको आना है डेवलपर ऑप्शंस को अंदर, और डेवलपर ऑप्शंस के अंदर आते ही आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जो आपकी स्मॉलेस्ट विड्थ होती है इसको आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है, 360 कर देना है। 360 करते ही आपको क्लोज टू iOS 14 जैसा लुक देखने को मिलेगा अपने एंड्रॉयड या फिर Xiaomi के फोन के अंदर। तो अभी अगर आप चेक करोगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ, जो आप यहाँ पे सेटिंग का UI है वो थोड़ा सा आपका जो है बड़ा हो चुका है, बट ये काफी ज्यादा क्लोज हो चुका है iOS 14 के। तो ये चीज आप एक जरूर ट्राई कर लेना, इसके साथ आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरे अकॉर्डिंगली होने वाला है। अगर आप स्टॉक के ऊपर भी रहना चाहते हो, DPI चेंज नहीं करना चाहते, तो भी काफी अच्छी बात है। अदरवाइज आप इस चीज को भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, इसके साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि आई थिंक जो है आपको करना भी चाहिए। तो यही है टोटल प्रोसेस इस चीज के रिलेटेड। तो इस वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे एक अगली न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।